उत्तर प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट को स्कूल समय में किसी भी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्कों में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। वहीं सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने एमके न्यूज चैनल के ब्यूरो राहुल मिश्रा से बातचीत करते हुए बताया कि आदेश को अमल में लाने के लिए जिला अधिकारी से फीडबैक ली जाएगी और अगर कोई संस्थान आदेशों की अवहेलना करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा भी और समाज के और जागरूक नागरिकों के द्वारा भी ऐसा देखने में आया कि स्कूल टाइमिंग में बच्चे रेस्टोरेंट में या और कहीं पर मॉल में कई बार घूमते हुए दिखाई पड़े। आयोग के पास एक दूसरा प्रकरण इस प्रकार का आया कि बच्चे स्कूल से गायब हो गए। स्कूल टाइमिंग में स्कूल नहीं गए लेकिन वो कहीं और चले गए। और अभी एक जल्दी की घटना है कि बच्ची गुजरात से रेस्क्यू हुई। तो इस प्रकार के एक केसेस नहीं है, ये दो चार छः केसेस हमारे सामने आए तो हमने इस प्रकार के आदेश को जारी किया।